नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ पत्रकार राहुल इंदौरा। आज हमारी जो चुनावी यात्रा है वो रानिया हलके के गांव मोहद्दीन में पहुंची है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, जो विधानसभा चुनाव है वो नजदीक आ चुके हैं, तारीख तय हो चुकी है। आज हम रानिया विधानसभा के गांव मोहद्दीन में पहुंचे। चलिए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि अब की बार रानिया हलके से किसको विधायक चुनते हैं। नाम मेरा अक्षर है जी। कौन सा गाँव है? गाँव मोहद्दीन है जी। क्या लगता है अब की बार विधानसभा रानिया से? विधानसभा में लगता है रानिया में से चाहे किसी को टिकट मिले जीतेगा दर्जन। अच्छा, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। कितने कैंडिडेट मर्जी आ जाए जीतेगा वो। अच्छा, बिल्कुल आसान सीट हो चुकी है। कैसे? क्योंकि बाकी अभी तो नए हैं, वो पुराने नेता है। अच्छा अच्छा, पिछले 5 सालों में रणजीत चौटाला ने कोई काम करवाए? कोई काम नहीं किया। काम करता तो टिकट ना मिल जाती। अगर कोई भी काम करता किसी भी गांव का टिकट ना मिलती। इस वजह से टिकट नहीं मिली, ना ही सरकार ने कोई काम किया है, इस वजह से टिकट नहीं दिए। नए आदमी को टिकट दे दिए, वो भी ऐसे ही है। अच्छा, आपके गांव में ये कांग्रेस से 2 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। हाँ, दावेदार के शरम मित्र और संदीप मेहरा। क्या लगता है दोनों में से? टिकट तो मिल सकती है शरम मित्र को। गांव में ठीक है, रिलेशन अच्छे है, गांव में से वोटें पड़ेंगी। अभी नया है ये। आपके कहने का मतलब कितनी पार्टियां जाए, कोई कैंडिडेट आ जाए, अर्जुन चौटाला जीतेंगे? बिल्कुल, वो जीतेगा। ठीक है। क्या नाम है? राजकुमार। कौन सा गांव है? आई है। क्या लगता है आपको विधानसभा से? मापन तो कोई पता नहीं की लगता है की नहीं, ठीक है ना? कोई किसी का पक्की कह सकने हैं। आजीरा भाई, क्या नाम है जी? मेरा नाम अजूर सिंह है। कौन सा गांव है? आई मौज दी और गड़ा। अच्छा, क्या लगता है आपको रानिया विधानसभा? अगर ज्यादा 20000 बंदा जिताई ना 20000 उठा दे। कौन सा? अर्जुन। अच्छा, एक तरफा है साडा तो एक तरफा हूं। देखो कोई अगला कोई टक्कर में मानते हो क्या अर्जुन? असली टाइम ना यार, टक्कर सारी जिंदगी में आया। अच्छा, पहले हल्का हल्का पद हुंदा सी, 5 बारी लगातार बागी एमएल बना, और बाकी सरकार कांग्रेस दी बंदी रही, वो ही हल्का। अब रानी ने तो हमेशा ये बन गए, सरकार ऊपर किसकी मर्जी बने। क्या कारण है बार बार बनने का? बार बार बन सारी जिंदगी ये छड़का होना बनाया, लहरा होना बनाया, चौधरी देवी ने स्कूल बनाया, प्लस टू का सारा कुछ ही उन्हें किया। और किया कि नहीं? लोग बोल रहे अर्जुन चौटाला ने किया। अर्जुन चौटाला कल बेचारा पैदा होता है, वो तो पोतरा है। अच्छा, चलो अर्जुन चौटाला भी करेगा जब उसका टाइम आएगा तो। अच्छा, हाँ, पहले चौटाला सा अर्जुन देवीलाल किया, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश किया। लोग 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 ये भी बोल रहे हैं कि रणजीत चौटाला ने भी काम किए हैं। रणजीत चौटाला ऐसे फिरनी हमारी साड़ी खड़ी है, छप्पड़ खड़ा है, जाके देख लो, आप ही देख लो टोया कितना बढ़िया साफ हगा है, फिरनी पक्की बनी है कि नहीं बनी, आप देख लो। जहाँ देखने करने की जरूरत नहीं। गाँव की फिरनी वो माँ तो सुखना 50 गाँव को आगे आधा लगती है, पक्की छड़ गए। आप देख लो फिरनी कितनी बढ़िया बन रही है। आप देखो छप्पड़ 4-5 एकड़ का है, तो उसमें पानी आदमी हाथ नहीं धो सकता, काला पानी, और डंगर साढ़े सारे मरी जाते ने। पिछले 5 सालों में रणजीत चौटाला ने कोई काम करवाए? मैं तो कहना साडा छप्पड़ जाके देख लो, सानू और किसी काम का पता नहीं। अच्छा, साडा छप्पड़ ही उन्होंने करवाया, साड़ी पर और किते नहीं किते सानू नहीं पता। ठीक है जी। स्वागत सिंह। कौन सा गाँव है? गाँव मोहद्दीन। क्या लगता है आपकी बार रानिया? ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकते भाई। आप मैं सारे बराबर जी दिखी जाते कह दिए। अच्छा, देखा वोट भी किनू पानी है, चंगी कंगी देख के वोट पावे। इधर इन लो से अर्जुन चौटाला है, बीजेपी से इस पल कम कोई पता किसको पानी पड़ेगी। अच्छा, अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और क्या आ गए तो काम होता। हां जी अंकल जी, क्या नाम है? ये तो जेडे क्या नाम है? सतनाम है। कौन सा गांव है? मोहद्दीन। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार रानी हलके से? रानी हलके से आपकी बार लहर तो कांग्रेस की है। अच्छा, कांग्रेस में हमारा तो उम्मीदवार शरम मित्र है। अच्छा, और इधर निर्दलीय है रणजीत चौटाला, वो तो दो गले है, वोट लेके जगह फेंक जाते ने। अच्छा, कोई काम के नहीं आदमी। इनेलो पार्टी से अर्जुन चौटाला भी सब बेकाबू भाई मार है, कोई नहीं है काम का। जेड़ा है तो बाल के चला जाता है, जाता बीजेपी वेख जाता जाके रुपये लेके तो बह जाता है, वोटा जिन्ना देती है उन्होंने कोई पूछता को नहीं। तो अब की बार थानू की लगता है? अब की बार तो आएगी तो कांग्रेस सरकार ही आएगी, वो भी सही आएगी, गलत नहीं आएगी।
आगे वो भगवान की मर्जी है। यही है देखो अब क्या पता सास सास मन के क्या अपनो मन तो क्या है भाई देखो कभी कोई आवे कभी कोई आवे अपन ने पता ही को नहीं अपन अनपढ़ आदमी इन्हें लो पार्टी अर्जुन चुटाला आ रहे हैं निर्दलीय इन रणजीत चुटाला आ रहे हैं बताओ ये बता सका भाई अपन जंगल जी किमे हो हां ठीक है की नाम है आकम चांद है की लग रहा है आपकी बार रानी हलके जो अरे तो कांग्रेस नु टपा गया कांग्रेस नु किमे बल्ले बल्ले अच्छा बल्ले बल्ले अर्जुन चौटाला नहीं सारे कांग्रेस टोटली बिलकुल अभी तो वोट भी देवांगे नोट भी देवांगे अच्छा सपोर्ट भी करांगे जिन्ना चारा लग्या उन्ना ही अभी कांग्रेस है इधर अर्जुन अर्जुन चौटाला ही नेलो से है नेलो हुए नेलो हुए अभी तो कांग्रेस ही मुकदी गल ठीक हां जी कांग्रेस ही है क्या लगता है प्रॉपर प्योर कांग्रेस आएगी क्या प्रॉपर बहुमत आएगा किस किस की टक्कर मानते हो कांग्रेस की टक्कर है देखो किसके साथ होती है आपको क्या लगता है किसके साथ हो सकती है मेरे ख्याल तो है ही नहीं है जी कांग्रेस की टक्कर किसी की नहीं है एक तरफा है एक तरफा ही है जी। अच्छा इधर इनेलो से अर्जुन चौटाला है क्या लगता है कुछ नहीं अपना कुछ नहीं कह सकते उसका अच्छा निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत चौटाला नहीं नहीं कुछ नहीं पांच रहे ठीक है कौन सा गाँव है अच्छा क्या लगता है अब की बार रानिया विधानसभा अर्जुन चौटाला है निर्दलीय से रणजीत चौटाला है बीजेपी से शिषपाल कंबोज है अभी बताए सारे ठीक ही है मुकाबला किन किन का मानते हैं क्या पता लगता है कांग्रेस का ज्यादा लगता जोर कोई टक्कर दे सकता है कांग्रेस को या एक तरफा नहीं तो तुम पता होगा नहीं आप बताओ ना तुम कोई पता नहीं है क्या नाम है बलविंदर जी कौन सा गांव अवधी क्या लगता है आपकी बार रानिया विधानसभा से अभी देखो ये कांग्रेस वाले क्लियर करेंगे टिकट फिर पता चलेगा इस टाइम तो नीलो वाला है आगे नीलो वाले अर्जुन चौटाला क्या मानते हो आप किसके साथ टक्कर रह सकते हैं अगर हुई तो कांग्रेस की सही चिंता की फिर तो सही की फिर तो रणजीत सिंह की और कांग्रेस वालों की टक्कर होगी ये नहीं टक्कर से बाहर होंगे सारे ठीक है टिकट के आधार पर ही है कांग्रेस वाला टिकट नहीं आएगी पहली अच्छा पिछले पांच सालों में रणजीत चौटाला ने कोई काम करवाए बहुत काम करा बहुत काम कराए क्या नाम है कौन सा गांव है ओटू क्या लगता है आपकी बार विधानसभा से रानिया से विधायक किसको चुनोगे कांग्रेस कांग्रेस को क्यों